नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। ग्राम गमाकर गमोली घाट पर चल रहा था 2 महीने से अवैध उत्खनन। जी हां, शहर के आसपास नदी किनारे बसे कई गांव में अवैध रेत का कारोबार रेत माफियाओं द्वारा जोरों पर किया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलने पर राजस्व अमला भी समय समय पर कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार की दोपहर को ग्राम गमाकर घाट पर अवैध उत्खनन हो रहा था। तहसीलदार यशवर्धन सिंह को नदी से अवैध रेत निकालने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो उन्हें नदी किनारे जेसीबी खड़ी और नदी में पंडु भी डली हुई मिली। तहसीलदार ने जेसीबी को जब्त कर तहसील परिसर में खड़ा करवा दिया। रेत माफिया ने पंडुबी को नदी में डुबो दिया था। तहसीलदार जयवर्धन सिंह का कहना है कि रेत माफिया वालों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इन पर बड़ी कार्रवाई होगी, तभी इन पर शिकंजा हो पाएगा। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। ग्राम कोटवार द्वारा हमें जानकारी मिली कि गमाकर में अवैध उत्खनन चल रहा है रेत का, तो मैं अपने दल के साथ गमाकर घाट पे पहुंचा तो वहां पर जेसीबी खड़ी हुई पाई गई और बोट भी वहां चल रही थी, जिसे वहां ग्रामीणों द्वारा जो लोग बोट चला रहे थे उनके द्वारा बोट को डुबा दिया गया। तो जेसीबी हमने जब्त करी मौके से और प्रकरण बना के SDM साहब को ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और जुर्माना उनके द्वारा लगाया जाएगा।